नमस्कार दोस्तों, रानी किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही स्वादिष्ट और चटपटी सी अचार की रेसिपी। तो आज हम बनाने वाले हैं मूली और मिर्च का बहुत ही टेस्टी अचार। तो इसे कैसे बनाते हैं, तो चलिए फटाफट से रेसिपी स्टार्ट कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने लिया मूली, मूली को अच्छे से धो करके कपड़े से पोंछ करके ले लिया है। और यहाँ पर मैंने मिर्च लिया, इसको भी अच्छे से धो लिया है, धो करके पोंछ लिया है। तो सारे डंठल को निकाल देना है मिर्च का, डंठल बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो अचार जो है साल भर नहीं चलेगा। इस तरह से गोल गोल भी काट दूंगी। इस तरह से सारे मूली काट करके तैयार कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, मूली को मैंने इस तरह से काट लिया है, दोनों तरह के पीसेस में इस तरह से कट कर लिया है। अब हरी मिर्च को भी काट लेती हूँ। तो हरी मिर्च को आप इस तरह से बीच से इस तरह से कट कर सकते हैं या इसके चार भाग कर सकते हैं। इस तरह तो मैं इसे चार भाग में कर देती हूँ। मूली और मिर्च को मैंने अच्छे से काट लिया है और अब डाल देंगे इसमें नमक। तो अभी एक चम्मच नमक डाल दे रहे हैं इसमें और डालेंगे इसमें हल्दी। टोकरी में एक चम्मच इसमें हल्दी डाल दे रही हूँ और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे।
रसोई अचार बहुत ही चटपटा बनेगा। इस तरह से अगर बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनता है। ये देखिए सारी चीज़ों को अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है। अब इसे ढक करके आधा घंटा के लिए मैं रख देती हूँ इसी तरह, ताकि अच्छे से पानी जो है छोड़ दे। उधर मूली रेडी हो रहा है, तब तक हम मसाला तैयार कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिया है 2 चम्मच सरसों, ये काली सरसों है, इसे डाल देती हूँ इसमें। यहाँ पे लिया है मैंने 5 फोरन। 5 फोरन में सारे मसाले होते हैं, सौंफ होता है, मेथी होती है, अजवाइन होता है, कलौंजी होता है, राई होती है, सारे मसाले इसमें होते हैं फ्रेंड, तो इसे डाल देती हूँ। आप चाहें तो अलग से भी ये चीज़ें खरीद करके डाल सकते हैं। मैं 5 फोरन का इस्तेमाल कर रही हूँ। 6-7 काली मिर्च को कूट करके ले लिया है, इसे भी डाल देती हूँ। लाल मिर्च का पाउडर डाल देती हूँ, मैंने 2 बड़े चम्मच लिए हैं। 1 से 1.5 चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे, 1.5 चम्मच में डाल देंगे, और सारी चीज़ को हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो मसाला भी बिल्कुल तैयार हो गया है। ये देखिए मैंने इसे थोड़ा सा दरदरा रखा हुआ है, ज़्यादा बारीक नहीं की है, थोड़ा सा मसाला जो है दरदरा रखी से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। मसाला तो बिल्कुल रेडी हो गया है, अब चलते हैं मूली देख लेते हैं। तो आधा घंटा हो गया है फ्रेंड, मूली को चेक कर ले। चम्मच तेल डाल दिया है, इसे अच्छे से गर्म होने देते हैं। गैस को ऑन कर देती हूँ और इसे अच्छे से गर्म होने देते हैं। ये सरसों का तेल है फ्रेंड, इसमें बहुत ही तीखापन होता है, तो इसे अच्छे से गर्म करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो अचार खराब होने का डर रहता है, तो इसलिए अच्छे से इसे गर्म कर लें। तो तेल अच्छा गर्म हो गया फ्रेंड, धुआं भी छोड़ने लगा है, तो गैस को बंद कर देती हूँ और इसमें डाल देती हूँ हींग। हींग से अच्छा टेस्ट आएगा इसमें अचार में, और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। तो तेल थोड़ा थोड़ा ठंडा हो गया फ्रेंड, तो इसमें मसाला जो मैंने तैयार करके रखा है वो डाल देती हूँ। मसाले को अच्छे से मिक्स कर देंगे इसमें। और इसे हम 2-3 मिनट के लिए इसी तरह से ढक करके रख देंगे, ताकि जो मसाला जो मैंने कच्चा इस्तेमाल किया है इसमें
तो अच्छे से ये फूल जाए। तो मसाला फिर ठंडा भी हो गया है और देखिए फूल भी गया है। मूली और मिर्च इसमें डाल देती हूँ। बहुत ही स्वादिष्ट अचार बन के तैयार होता है। इसे साल भर जो है स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ मसालों के साथ। अब इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक डाल देती हूँ फिर। नमक स्वाद के अनुसार डालें। इसे अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। ये जब गलेगा फिर तो अचार अभी कम होगा, तो इसके हिसाब से भी नमक डालें उसमें। ये देखिए टेस्टी और चटपटा अचार जो है हमारा मूली और मिर्च का बन के बिल्कुल रेडी हो गया है। तो इसे 3-4 दिन तक आप धूप दिखा दें, इसके बाद इसे स्टोर करके आप साल भर के लिए इस अचार को रख सकते हैं। तो आज की हमारी अचार की जो रेसिपी है वो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।